दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडिया है ना, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा छल है, और इसका मैं उदाहरण दे दूं, कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र है, इसका उदाहरण देता हूं। के मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एके मिश्रा साहब का स्वागत है। मिश्रा जी, बात मिश्रा जी, वो कह रहे हैं भाई साहब इंडिया हार जाएगा कि अब के भारत हार जाएगा, इसका कुछ मामला फरियाओ। मिश्रा जी, नहीं, अमिताभ जी, बहुत प्रिंसिपल ओरिएंटेड आपका ये क्वेश्चन है, और पॉलिटिकल पार्टियों का क्या व्यू है ये आप उनसे ले लीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट बेसिस की एनालिसिस करेंगे। इलेक्शन कमीशन कभी भी लिख के नहीं देगा कि इंडिया हार गया, I.N. ये वाला इंडिया, क्योंकि ये लोग इंडिया के नाम से ना पार्टी बनाएंगे ना लड़ेंगे, कांग्रेस और इन सब के नाम से अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडिया है ना, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा छल है, और इसका मैं उदाहरण दे दूं, कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र है, इसका उदाहरण देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडिया है ना, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा छल है, और इसका मैं उदाहरण दे दूं, कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र है, इसका उदाहरण देता हूं। लोग भले ही कुछ समझे, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारी फिलॉसफी में एकदम दूध का दूध और पानी का पानी है। महाभारत में पुंडरीक की कहानी याद होगी, जो नकली हाथ लगा लेता था, चक्र ले लेता था सुदर्शन, और बोलता था मैं असली कृष्ण हूं, और कृष्ण ने उसका वध किया था। काली नेम वगैरह भी इसके उदाहरण है, जो बोलते थे कि मैं जी फलाने हूं, मैं ही ठीक ये हूं, मैं ही वो हूं। और सुन लीजिए, ये कुत्सित चाल क्यों है, किसी भी देश को या देश की कोई ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी को जिसपे संविधान का हक है, देश का हक है, देशवासियों का हक है, उसका प्रयोग अपने निजी राजनीतिक फायदे या बिजनेस के फायदे के लिए, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूं देश के खिलाफ, और कई और ऐसे लोगों ने इसके पहले किए। हमने ये सोचा था कि आजादी के बाद इतनी नैतिकता रहेगी कि इस तरह का कुत्सित षड्यंत्र कोई नहीं करेगा, इंडियन मुजाहिदीन करे तो ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी अगर ये क्लेम करने लगे मैं भारत हूं, यानी कि आपका एरिया क्या 86 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की जो परिभाषाएं हैं यहाँ जी, पे, क्या आप उन परिभाषाओं में फिट बैठते हैं, आप जी उन शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा जो है, मैं इसको कुत्सित चाल षड्यंत्र, अरे इससे बेटर तो मैं मुगलों को बोलूंगा कि उन्होंने इंडिया वगैरह नहीं, उन्होंने अपना नाम दिया। इनके पास तो, क्योंकि ये इतने नाकाम हो गए हैं जनता के प्रहार से, क्वेश्चन से, कि जी एक अपने आप ठीक को है मिश्रा बचाने जी, के लिए ऐसा दोबारा मैं आता हूँ हमला हो आपके रहा पास है। बाकी मेहमानों। ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अमिताभ जी देखिए, अब जिन्होंने मान लो ये कल आज केसीआर घोषणा कर देंगे कि हम ही तेलंगाना है, तेलंगाना हम, ये तो मामला फिर बड़ा विचित्र, कहाँ कहाँ तक समेटेंगे। नहीं, अमिताभ जी, जो इन लोगों ने I.N.D. बनाया, जी इन्होंने सोचा कि ये इनका इनका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये सिंपली क्लास एट की जो ग्रामर होती है, ये इतना भी ज्ञान इनको नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, किसी ने बोला शाइनिंग इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई और ऐसे फलाने फलाने कंपनी ऑफ इंडिया, वो भारत के लिए समर्पण प्रदर्शित करता है, वहां पे गुणवाचक चीज हो जाता है, उसके गुण और धर्म को देखा जाता है। मैंने बोला कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने जो बनाया, ये एक छद्म आवरण है, वो इसलिए है कि PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्या उसके कर्तव्य, उसके काम भारत के लिए समर्पण दिखाते हैं? नहीं, उसने नाम का छलावा ओढ़ा अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए। यही चीज इनके साथ हो रही है, इन्होंने तो पूरा मालिकाना, ये इंडिया का मतलब ये है, जैसे भारत भूमि की उत्पत्ति अरबों साल पहले हुई होगी उस भूखंड की, ये उसके मालिक बन रहे हैं कि जी हमने ये भूखंड बनाया अरबों साल पहले, पहाड़ नदियां हमने बनाई, फिलॉसफी यहाँ की, विचारधारा हमने बनाई। इंडिया को ओन करने की, मालिकाना हक दिखाने की ये हरकत कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं ये कायरतापूर्ण शातिराना, और बुद्धि और ग्रामर का तो नॉलेज था ही नहीं, अदरवाइज इतने सवाल नहीं उठते, पूरा देश सवाल पूछ रहा है, इनको और कोई नाम ही नहीं मिला, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है जनता के सवालों का जवाब दे। देखिए, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि फलाने फलाने कंपनी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लिखना दूसरी चीज है, और केवल इंडिया लिखना दोनों के गुण धर्म में बहुत बड़ा एडजेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जी इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और ये हवा हवाई भाई हो देखिए, तकी साहब जाएंगे, जुड़ ये गए। इनके माथे पे कलंक लगेगा एक दिन। जी
वही 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 मिश्रा जी, बड़े बड़ा इसमें लोचा हो जाएगा। लोचा नहीं होगा, इस देश में हजारों दल हैं। लेकिन सब साफ है, देखिए जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है लेकिन भारतीय भाषाओं का जिनको ज्ञान है, जो भारत की संस्कृति को जानते हैं, वो इस छलावे में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय जानता है कि ये क्या कर रहे हैं और इंडिया का मतलब क्या है, और जो बिना डॉट वाला इंडिया है उसका मतलब, दोनों में फर्क क्या है, बच्चा बच्चा जानता है। अमिताभ जी देखिए, अभी आपने एक चीज बोला था, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल चीज मुझे लगी पूरे डिबेट में, उस पर मैं बोल देना चाहता हूँ। ये मणिपुर या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होने वाली होती है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, और यहाँ से नहीं, भारत की सभ्यता और विचार क्या रहे हैं। भारत भूमि की ये गारंटी रही है कि चीर हरण करने वाले का प्राण हरण हुआ है, वो जिंदा बचा नहीं है। आप सीता से ले लीजिए, रावण का मृत्युदंड मिला, दुर्योधन का लीजिए, उसके बाद और सब उदाहरण है। सरकार किसी की भी हो, न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चीर हरण करने वालों का प्राण हरण करने की जिम्मेदारी राज्य की है। हर घंटे बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारी लोग बीजेपी ज्वाइन करते ले रहे हैं, सारे बलात्कारी अभी केवल एक विषय में जी सर, गंभीर मुद्दा है, जरा शांत रहिए जी जी, केवल आपकी आवाज जा रही है, उनसे बहस मत लीजिए, आप अपनी बात कहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता, जो आपने बोला कि भाई एक अलग विभाग बने, बिल्कुल ये समय की जरूरत है। अगर हम मोरल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो सारे विकास धरे के धरे रह जाएंगे। अरे चुनाव में तुम हारे या जीते, बंगाल में जो हुआ उसके लिए बंगाल के किसी एक साधारण महिला की जिम्मेदारी है, या किसी एक किसी दूसरे राज्य में तुम्हारा कोई दुश्मनी है किसी दो ग्रुप का किसी का, तो उसका तुम सारा बदला सारा असर अपना पौरुष एक महिला के ऊपर दिखाओगे। तुम हारो जीतो, तुम महिलाओं के खिलाफ क्यों कर रहे हो भाई? तुम आपस में नेता लोग हो, जो करना है करो, आम महिला क्यों भुगते? एक अलग से व्यवस्था जैसे एनआईए हो गई, ये इसी तरीके से गंभीर मुद्दा, इसको आतंकवाद की तरह माना जाए और दूसरी व्यवस्था सेपरेट व्यवस्था बने। यूपीसी इसी में एक कदम था, इसी से मिलता जुलता, अब पता नहीं वो ठंडे बस्ते में गया क्या गया पता नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, जरा एक बार रिपीट करिए। नहीं नहीं, मैंने वही वही कहा कि हम भारत के हैं, अच्छी बात है, हम भारत है, ये स्वीकार्य नहीं। एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ये इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, प्रश्न है अमिताभ जी, और इसकी लड़ाई विवेचना अभी नहीं सदियों से चलती रही है, चाहे मुगल आक्रमणकारी रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, सवाल यही चलता है और आज भी ये मुद्दा चलता है, हम राष्ट्र के लिए हैं कि राष्ट्र हमसे, मतलब एक अमेरिका के राष्ट्रपति या कौन थे उन्होंने पूछा था ना एक सवाल, ये मत पूछो कि तुमने राष्ट्र को, राष्ट्र ने तुमको क्या दिया, बल्कि तुम ये बताओ कि तुमने राष्ट्र को क्या दिया। सवाल यही है कि हम राष्ट्र के लिए हैं कि राष्ट्र हमारे लिए है, इन्होंने आई डॉट एन डॉट डी बना के ये बता दिया, हम राष्ट्र के लिए नहीं है, हम राष्ट्र से बड़े हैं और राष्ट्र हमारे लिए है, राष्ट्र हमें चुनाव जिताएगा। ठीक मिश्रा जी, ठीक आगे बात, आगे सब राष्ट्र करेगा।